वेलकम टू लर्न अबी, आई एम शिवानी चौहान। क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर वन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना उसमें क्या क्या मौजूद होता है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक थाली दिखाई दे रही है। इस थाली में आपको रोटी दिख रही है, यहाँ पर कोई दाल है और यहाँ पर देखिए गाजर मटर की सब्जी आपको देखने को मिलेगी। तो हम जो खाना खाते हैं ना उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी सारे स्कूल्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं, हम वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में मीनिंग समझेंगे अच्छे से। तो आपने क्या करा, इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसकी हमने पूरी लिस्ट बनाई है इससे पहले की क्लासेस में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और मैप पे भी हमने मार्क कर दिया कि भाई हमारे देश में किस किस जगह क्या क्या खाना खाया जाता है, ये हमने मैप में भी बना दिया। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो मील यानी कि खाना, खाने में चपाती यानी रोटी, दाल या बैंगन का भरता कुछ भी हो सकता है। अनदर में भी दूसरी तरह से राइस, चावल हो सकते हैं, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, या फिर आपके खाने में चावल, सांबर या भिंडी भी हो सकती है। येट अनदर मील मे बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो आपके खाने में अप्पम, फिश करी या फिर सब्जियां भी हो सकती हैं। तो आपका खाना बहुत वैरायटी का हो सकता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रकार का खाना यहाँ पर खाया जाता है। अब एक्टिविटी वन में, आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि कोई ना कोई अनाज ज़रूर होता है हमारे खाने में। ग्रेन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मक्की यानी कि कॉर्न, राइस, वीट, ये सारे के सारे ग्रेन्स के एग्जाम्पल हैं। तो कोई ना कोई ग्रेन ज़रूर होता है जिससे हम दाल या फिर सब्जी खा रहे होते हैं। अदर आइटम्स जो हो सकते हैं वो दाल हो सकती है, मीट हो सकता है या फिर वेजिटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट्स में जो खाना खाया जाता है वो मील बना रखी है। आप किस राज्य के हैं उस हिसाब से आप अपनी मील बना सकते हैं। देखो पंजाब में मक्के की रोटी खाते हैं, राजमा, सरसों का साग और घी और दही खाते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल, तूर की दाल, कुंदरू है ना, घी या फिर छाछ वगैरह लेते हैं, अचार लेते हैं। आप जिस स्टेट के हैं वो आप अपनी बुक में इस तरीके से फिल कर सकते हो। आगे बताते हैं कि ये सब खाना होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। तो अलग अलग इलाकों में जो खाना खाया जाता है उसका एग्जाम्पल टेबल 1.1 में गिवन है। सेलेक्ट फूड आइटम्स इन एंटर, तो आप को फिल कर दीजिए आपके इलाके में कौन सा खाना खाया जाता है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील्स, कई बार हम ज़रूरी नहीं है कि दाल, सब्जी, रोटी, दही सब कुछ खाएं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम यात्रा कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम जो भी हम लोगों को मिलता है बस हम उसको खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर बार हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता ना कि हम इतना ज़्यादा वैरायटी का खाना खा पाएं। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई कारण तो होगा ना कि खाने में इतनी सारी वैरायटी होती है। डू यू थिंक दैट आर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, क्या आपने सोचा है कि हमारे खाने को हमारी बॉडी को इतना विभिन्न प्रकार का खाना क्यों चाहिए होता है। आप सोच रहे होंगे अरे भाई हमारी जीप लपलपाती है टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए भी साथ ही साथ हमारी बॉडी को बहुत वेरियस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, और हाँ इसके नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स भी, अगर चाहिए तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, तो एक डिश जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, जो कि प्लांट से भी आ सकते हैं और एनिमल से भी आ सकते हैं।
एनिमल से देखो, हम दूध जो पीते हैं वो हम गाय या है ना जानवरों से ही तो निकालते हैं, और कुछ लोग मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो भी जानवरों से आता है। बाकी जो हम सब्जियां खाते हैं, राइस खाते हैं, दालें खाते हैं, वो सारे हमें प्लांट्स से मिलती है, फ्रूट्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो हम वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आर बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी है वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, और यही जो होते हैं ना, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो अलग अलग कंपोनेंट हमारे खाने में होते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड, अब आपको बताना है कि भाई मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में कौन कौन से होते हैं। तो देखो, हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन, फूड आइटम कंटेन डाइट्री फाइबर्स, वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आर बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, वॉट आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आर बॉडी। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके साथ साथ डाइट्री फाइबर्स एंड बॉडी, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब क्या जितना भी खाना हम खाते हैं सब में सब कुछ होता है? तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि रोटी है, रोटी में हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी में प्रोटीन भी होता है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे विटामिन और मिनरल्स हों। तो एक खाने में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मिनरल्स विटामिन हमें मिल जाए, इसलिए तो हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है। एक पूरी थाली होती है जिसमें रोटी होती है, दाल होती है, और जो है सब्जी होती है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो अलग अलग फूड से आते हैं। डू ऑल फूड आइटम कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट, तो नहीं, नो इसका आंसर। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. तो इसमें हमें ये बोला गया है कि हम ना कुछ टेस्ट करेंगे कि क्या जो पर्टिकुलर चीज़ है उसमें कौन सा न्यूट्रियट अवेलेबल है। रॉ इन्ग्रीडियंट मतलब कच्चा खाना, और फूड जो कुक्ड होता है वो तो पका हुआ, जैसे कि कच्ची दाल होती है फिर पकी हुई दाल होती है, तो जो कच्ची दाल होगी उसको हम लोग रॉ इन्ग्रीडियंट बोलेंगे। अब हम लोग इस आपका जो चैप्टर है इसमें तीन न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनका हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंस कि हमारे खाने में किस किस में ये होता है। कैसे करेंगे? तो देखो, हम लोग करते हैं टेस्ट। हमें इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ सामान चाहिए। वो क्या है? एक तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन हमें चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, और तीसरा चाहिए कॉस्टिक सोडा। तो तीन अलग अलग जो है हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हमें ये केमिकल्स चाहिए, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और कुछ ड्रॉपर चाहिए ताकि ड्रॉप से हम लोग डाल सकें। देखो जैसे बच्चे, देखो यहाँ पे ये ड्रॉपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये देखो आयोडीन है और किस किस चीज़ में क्या कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च के लिए, देख रहे हैं इनके खाने में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है। अब स्टार्च किस में होता है ये देखते हैं। अब ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। कुक्ड फूड आइटम पे भी करना है और रॉ मटेरियल पे भी टेस्ट करना है, और अपने ऑब्जर्वेशन को बताना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आप किसी भी खाने पे टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो ध्यान से करने हैं टेस्ट और कोई केमिकल को खाना नहीं है, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो ये वाले जो सोल्यूशन है, तीन कौन कौन से, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर टीचर आपके बना देंगे। कैसे बनता है यहाँ पर बताया गया है कि भाई देखो, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरेंगे और उसमें थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन डाल देंगे तो हमारा आयोडीन का सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर।
तो हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना सकते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर वाटर में। 10 ग्राम हम कॉस्टिक सोडा को अगर डिसॉल्व करेंगे 100 ml वाटर में तो हमें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बने बनाए भी मार्केट में मिल जाते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं जो बताया गया है। ये यूनिट्स होती हैं सारी। अब आपके पास आता है, यहाँ से पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या हमें चाहिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो अलग अलग फूड आइटम को हम चेक कर रहे हैं कि उन फूड आइटम में क्या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या फिर नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अलग अलग वेराइटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो इसलिए हम लोग स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं किसी फूड आइटम में। समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसके अंदर स्टार्च और शुगर होता है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे देखते हैं। एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने फूड आइटम्स लिखे थे। एक्टिविटी 2 में टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। खाना लेना है, जैसे इन्होंने आलू लिया है तो आलू को काट दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। यानी कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो और यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो या तो आप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट कर दो लिख दो या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च लिख दो, एक ही बात हो जाएगी। तो स्टार्च क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में होता है इसलिए हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए आप लोग लेंगे आयोडीन का सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन हमने बनाना सीख लिया था, ऊपर यहाँ पे देखो डब्बों में बता रखा है। तो आप जब कटे हुए आलू पे 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालोगे तो हम क्या होगा, जब हम देखेंगे तो वो आलू जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये एक्टिविटी ना मैं ट्राई करूँगी कि आपको लाइव करके दिखाऊँ। तो आलू काट करके लेंगे और थोड़ा सा ब्लू ब्लैक कलर वो बन जाएगा जब उस पर आयोडीन सॉल्यूशन पड़ेगा। तो आलू पे आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें पड़ी, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि आलू में स्टार्च मौजूद होता है। ठीक हो गया। आप देखो, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। ये टेस्ट दूसरे फूड आइटम के साथ रिपीट करो टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, है ना। तो अलग अलग खाने पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते जाओगे और फिर अगर वो ब्लू ब्लैक होता जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा स्टार्च उसमें है। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ, वो ऐसा ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, तो फिर भाई स्टार्च उसमें नहीं होगा। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको जिस भी चीज़ का टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा चूरा बना लेंगे, उसको मतलब पीस लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है कि आप उसको पीस लेंगे। फिर आप उसमें पुट सम ऑफ दिस, जो आपने चूरा बनाया है किसी चीज़ का, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर टेस्ट ट्यूब था, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा जो है पाउडर सा डाल दिया, जो भी सामान है सपोज करो दाल का पाउडर बना कर आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर उसमें आप डालेंगे 10 ड्रॉप आप उसमें पानी की डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला देंगे। सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने दाल पीस के डाल दी है, इस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला फिर अच्छे से हिला दिया। फिर एक ड्रॉपर की मदद से मैं उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालूंगी और उसमें 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालूंगी। तो प्रोटीन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हम लोगों को कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा और एक हमें कॉस्टिक सोडा डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट हम लोगों को 2 ड्रॉप डालना है। कॉपर सल्फेट कितना डालना है, 2 ड्रॉप्स डालना है। और कॉस्टिक सोडा हम लोगों को डालना है 10 ड्रॉप्स, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स डालने हैं और कॉस्टिक सोडा के हम लोगों को 10 ड्रॉप्स डालने हैं। फिर शेक वेल, इसको जो है अच्छे से आप लोग हिला दीजिए। फिर जब अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिला देंगे तो हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो हमने मिक्सचर बनाया था ना वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर से हमें समझ में आता है कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है या नहीं है। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम लोगों को कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा चाहिए रहता है। अब ये अलग अलग खाने में क्या क्या अवेलेबल है नहीं है, ये टेबल आपको बनानी है।
अब फैट का टेस्ट सबसे ज़्यादा आसान होता है, आप लोगों ने बहुत बार कर रखा है। पराठा सपोज करिए लीजिए, उसको एक वाइट कलर के पेपर के बीच में ना ऐसे करके तेज से दबा दीजिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पेपर पे ना कुछ ऑयल ऑयल जैसा लग रहा है। बस यही फैट का टेस्ट होता है। फैट का टेस्ट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है क्योंकि सिर्फ उसमें तेल तेल हम लोगों को नज़र आ जाता है। बस इसमें यही है कि कोई भी फूड आइटम लीजिए जिसमें जो है, फिर उसको आप पेपर में दबा दीजिए, फिर आप देखेंगे उस पर लाइट लाइट ऑयली से पैच बन गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो उस खाने के आइटम में, फूड में क्या है, उस फूड में फैट मौजूद है, तेल मौजूद है। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया। और अगर कोई भी ऑयली पैच ना आए, इसलिए अगर आपने खाने को दबाया पेपर पे वाइट कलर के और उसमें ऑयली ऑयली सा हो गया, तो फैट मौजूद है। अगर ऑयली नहीं हुआ तो फैट मौजूद नहीं होगा उसमें। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या दिखाते हैं? क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च हर खाने में अवेलेबल होता है? तो देखो, हर खाने में तो अवेलेबल नहीं होता है। तो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो हाँ, दिस इज ट्रू कि जो एक खाना होता है ना, उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, मगर हर खाने में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट? तो हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा खाना हो जिसमें फैट, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट ना हो, सिर्फ हो सकता है उसमें मिनरल्स मौजूद हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है उसमें सिर्फ कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स, हम लोगों ने फूड आइटम्स को टेस्ट किया किस किस के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। अब कुछ और न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विटामिन और मिनरल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये खाने में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, सब्जियों में। वट डू वेरियस न्यूट्रियट्स डू टू आर बॉडी? मतलब ये जो अलग अलग न्यूट्रियट्स हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? तो ये वाला हमारा अब थोड़ा सा आगे का चैप्टर बचता है, ये हम लोग आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।